हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो रहस्य भाग चार, इसमें हम बात करने वाले हैं कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं तो, लेकिन फिर भी हमको सर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि सर हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हमको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती है, अवसर क्यों नहीं मिलता, इसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। दोनों प्रश्न आपके होंगे। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो बात वहीं पर आ जाती है वापस कर्म पे, कि आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ वैसे ही चल रही है ना। सुबह का खाना शाम का खाना कर लेते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो मेहनत तो कम करते हैं, आपकी नज़र में देखा होगा आपने मेहनत नहीं करते, वो दिन भर घूमना फिरना इधर जाना उधर जाना, लेकिन उनके पास बहुत कुछ पैसा है और उनके पास काम भी आता रहता है, और कई बार तो वो काम के लिए मना कर देते, बोले टाइम नहीं है। जबकि हम देखते हैं यार ये कोई मेहनत नहीं कर रहा है, जबकि उसके लिए दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है इसको आप समझिए कि कर्म जब फलित होता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, हम उस व्यक्ति को आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है फिर भी इसके पास सब कुछ है, ये व्यक्ति इतनी, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करना है। भगवान कितना निर्दयी है, भगवान निर्दयी नहीं है। देखिए कर्म का फल, कर्म जो मैंने आपको बताया था प्रारब्ध, आप समझ गए होंगे प्रारब्ध क्या होता है, आपने इतने सारे वीडियो देखी है देखे हैं। तो प्रारब्ध का मतलब वो होता है कि जब आपका जो पुराना कर्म है वो फलित होने का समय आ गया, उसका फल मिलने का समय आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और कभी कभी चीज़ें आपके सामने से आ जाती हैं। कोई व्यक्ति आता है आपके घर आता है स्पेशली, और वो बोलता है कि यार, आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, और यार मेरे एक मिलने वाले हैं वो कल कह रहे थे कि यार इस काम के लिए ज़रूरत है तो एक बार उनसे बात कर लेना, और आप उनसे बात करते हो और आपका काम हो जाता है। तो ये जब व्यक्ति के पुराने जो अच्छे कर्म होते हैं जब उनका फलित होने का समय आता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति जब वो मेहनत नहीं भी करता है तो भी उसके सामने से काम आते हैं। कई बार जीवन में आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आता मेहनत कहाँ करूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब आपका प्रारब्ध निर्मित होता है, इस बात को आप समझना कि प्रारब्ध का मतलब जब आपने जो पुराने अच्छे कर्म आपके स्टोर हैं जो संचित हैं, जब उनको मिलने का समय आता है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, तो जब उनका मिलने का समय आता है ना, तो ऐसे समय में आपसे वो कर्म मेहनत भी करवा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और उसमें अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। बिल्कुल उसने मेहनत करी थी, है ना, लेकिन वो उस खुद के मन में ये है कि यार मैं अभी जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे तो मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है। कुछ कोई किसी व्यक्ति के दिमाग में कि यार अभी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे तो कम ही मिल रहा है। तो अभी जो मिल रहा है ये पुराना है, अभी जो आप काम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रियमाण, ये तो आगे जाके मिलेगा, इसकी फसल तो अभी तैयार हो रही है। तो जब आपका प्रारब्ध निर्मित होगा तो वो आपसे मेहनत भी करवा लेगा, वो आपको ऐसा काम बताएगा कि जिसमें आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, आप दिन रात एक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आपके संचित कर्म जो होते हैं, पुराने जो अच्छे कर्म होते हैं, है ना, तो वो जब अच्छे कर्म फलित होने का समय आता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति नहीं मेहनत करता है तो भी उसके सामने से चीज़ें आती है। और कोई व्यक्ति का जब मान लो कि कर्म फलित, मान लो उसने कुछ पुराने कर्म अच्छे कर्म किए हों, है ना, या फिर अगर किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं पहले, तो फिर उनके वो फलित कैसे होंगे, भैया बीज तो बोना पड़ेगा ना। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, अभी भी अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। आप विश्वास करो कि इसका फल एक दिन आपको मिलके, मतलब आप कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी सामने से आपकी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे यार ये क्या हो रहा है। मैं एक समय इतनी मेहनत करता था, मैं 10 जनों के पास काम मांगने गया, सबने मना कर दिया, और ये व्यक्ति सामने से आ रहा है कि भैया आपके लिए काम है। और मैंने इतने सारे इंटरव्यू सुने हैं, अभी मैं थोड़े टाइम पहले सोनू निगम का इंटरव्यू सुन रहा था, तो सामने वाले ने पूछा कि सर आपने इतनी मेहनत की आज आप इस स्टेज पे पहुंचे, तो उन्होंने जो जवाब दिया आप भी देख लेना, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है, तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है और मेरी वैसी आवाज़ दी गई है, जिसको हम वो बोलते ना कि एक अच्छा सा वर्ड है, उर्दू वर्ड है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, मैं बताऊँ। कई बार ऐसा होता है कि नवाजा गया है ना, ये वर्ड उन्होंने बोला, बोले कि मुझे इस चीज़ से नवाजा गया है, सोनू निगम होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या बोला उन्होंने कि अगर मैं सोनू निगम हूँ तो इसमें मेरा थोड़ी कोई हाथ है क्या, मेरी वैसी आवाज़ दी गई है ना। और अगर ऐसा होता कि मैं केवल रियाज, मतलब वो रियाज कर करके सिंगर बन जाता तो सभी लोग बन जाते, लेकिन मुझे
नवाजा गया है उस चीज़ से, और मुझे वैसा प्लेटफॉर्म दिया गया है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनकी आवाज़ हो सकता है मुझसे भी अच्छी होगी, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? कर्म की वजह से। तो उन्होंने बोला कि मेरे कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे पहले कि जिनकी वजह से मुझे सब कुछ ऑटोमेटिक मिला है, और इसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप बात समझ रहे हैं, बात है कर्म की। तो जब आपके कर्म अच्छे होते हैं ना, तो उस समय आप कम मेहनत भी करते हैं। अगर जब वो फलित होने का समय आता है, तो आप देखते हैं आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हो रही है ऑटोमेटिक, है ना। इसके अलावा मैंने एक अपने, अभी तो मैंने आपको सोनू निगम बताया, एक सोनू शर्मा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बताइए, तो उन्होंने क्या बोला पता है, कि मैं 2 कोड़ी का आदमी, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने इतनी मेहनत करी और मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। हर बड़ा व्यक्ति उसके अंदर से उसे पता है कि क्या हो रहा है, मतलब कैसे मेरे साथ चमत्कार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 कोड़ी का आदमी और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, और आज मैं घूमता फिरता हूँ, आज मैं इधर घूम रहा हूँ वहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ वहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं 2 कोड़ी का आदमी। चाहते तो वो बोल सकते थे कि मैंने मेहनत की है। अब इसमें क्या होता है कि कोई लोग होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार हुआ है, यूनिवर्स ने चमत्कार किया है, लेकिन वो जो चमत्कार है वो आप ये मत समझना कि उनके ऊपर चमत्कार कर दिया, हमारे ऊपर क्यों नहीं करा। बात कर्म पे आ जाती है, उनके ऐसे कर्म रहे होंगे तो हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। अगर आज ये चीज़ हमारे समझ में आ गई तो हमें आज से वैसे कर्म करना शुरू करने पड़ेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में हमें चीज़ें ऑटोमेटिकली मिले। और ऑटोमेटिकली आप ये समझना कि ऑटोमेटिक मिल रही है, आपके ही कर्म की वजह से मिल, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कई सारे इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ, वो इसलिए देखता हूँ ताकि नॉलेज मिलता है। तो ऐसे कई सारे लोगों को मैंने देखा, मिथुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो उनसे बोला कि 1984 का के आसपास का या 88 का होगा वो, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो अभी भी पढ़ा है वो इंटरव्यू, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उनसे बोला कि आपकी कलाकारी और आपको जो है अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मेहनत है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, आप वो इंटरव्यू देखना आपको पता चलेगा, ऐसा किया, बोले बोले सब नसीब की बात है। अब उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि नसीब की बात है ना। तो उन्होंने बोला कि इसमें आपकी कलाकारी वगैरह कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि कलाकारी वाला रहे, बोले इसमें आपका नसीब है, बोले सब नसीब, बोले आपकी मेहनत। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि नसीब मेहनत भी करवा देता है, मतलब जब आपका नसीब चमकता है, नसीब का मतलब क्या, वही जो आपके पुराने अच्छे कर्म जब फलित होते हैं तो आपसे वो मेहनत भी करवा लेगा, बात समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने ये बात बोली कि सब नसीब है, तो नसीब मतलब कुछ उनके पुराने अच्छे कर्म रहे होंगे कि इस वजह से केवल एक गाना आई एम ए डिस्को डांसर, और वो गाना आज आप देखना, और उस समय उस गाने की इतनी तारीफ हुई, और मिथुन चक्रवर्ती, और हमने हमारे बचपने में बहुत सारी मूवीज़ देखी है ना। इसके अलावा मैंने एक जैकी श्रॉफ का इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने भी सेम बात बोली। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं तो जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं जिनका कर्म पर विश्वास नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये आदमी इतना गंदा है, इतने गंदे गंदे काम करता है और लोगों को लूटता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, हम तो इतने अच्छे हैं, भक्ति भाव करते हैं, है ना, भगवान को पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं। उसकी पुरानी खेती अभी आपको दिख रही है, मतलब वो पुरानी खेती का अभी मिल रहा है, अभी की जो आप खेती देख रहे हैं ये तो हो सकता है आपको देखना भी नहीं मिले, वो कहीं और चला जाए, या हो सकता है आप अपनी आँखों से देख पाएंगे कि अभी जो वो काम कर रहा है उसकी स्थिति क्या होगी, बात समझ रहे हैं आप। और अभी जो आप कर रहे हैं, आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, अभी जो आप भक्तिभाव कर रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इसका भी आपको रिजल्ट एक दिन देखने को जरूर मिलेगा, ये मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ, इतना विश्वास है मुझे। तो इसलिए मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जो आपको फल मिल रहा है वो आपका प्रारब्ध है, पुराना मिल रहा है, अभी आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो बात यही है कि अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको अभी से अच्छे कर्म शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब इस रहस्य वाले जो सीरीज़ है, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ, जैसा भी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, है ना, देखिए कई सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, 80% पॉजिटिव रहते हैं, 20% नेगेटिव कमेंट भी रहते हैं उसमें।
तो वो नेगेटिव कमेंट रहने का कारण है उसमें, मुझे कभी ना तो गुस्सा आता है या ना कभी मैं उसको मन पे लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें पता है कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, तीन प्रकार के लोग होते हैं। इनके बारे में आपको कभी वीडियो बना के बताऊंगा। तो ये उस व्यक्ति की सोच के ऊपर प्लस उसने उस चीज़ को कितना अनुभव किया उस पर डिपेंड करता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो मैं बात बोल रहा हूँ वो उन्होंने अनुभव की हुई है तो उनको विश्वास हो जाता है, लेकिन कई सारे लोगों ने अभी अनुभव नहीं किया है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो फालतू बातें हैं, तो ये रीज़न होता है। तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको लगता है, ठीक है। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।